आप अपने किसी भी सॉन्ग को या ऑडियो को ट्रिम करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर आपको मैं ऑनलाइन बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं वो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो सर्च बार में सिंपल से आपको यहाँ पर टैप करना है ऑनलाइन MP3 ऑनलाइन कटर। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर टाइप कर लेना होगा MP3 कटर ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना, जो आपको पहला इंटरफेस दिखाई देगा ऑनलाइन MP3 कटर, तो इसको सिंपल से आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जो पहला तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन फाइल दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर आपको सिंपल से ओपन फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने फाइल के अंदर पहुँच जाओगे। फाइल में पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको अपने सॉन्ग को या ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सॉन्ग है या ऑडियो है तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो है सॉन्ग कुछ प्रोसेस लेगा और यहाँ पर आपको आ जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रिम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एडजस्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और आपका जो है सॉन्ग सेव हो जाएगा।